student, this is for class 4 and we are reading about the northern plains. So we read about the Satluj basin, the Brahmaputra basin, the Ganga basin, and today we will start to read about the states present in the northern plains. So first of all, I am going to start with Punjab. मैं पंजाब से स्टार्ट करने वाला हूँ और अब आपके बुक से ही पढ़ाया जा रहा है, आप मैच भी कर सकते हैं. पंजाब इज द लैंड ऑफ फाइव रिवर्स, और ऐसा पंजाब को बोला जाता है, ये पांच नदियों का भूमि है. झेलम है, रबी है, और चेनाब है, सतलज है, ये सब क्या है, ट्राइब्यूट्रीज है. किस कौन से रवि कौन से नदी का, इंडस नदी का, ये सब ट्राइब्यूट्रीज है. एक्चुअली ट्राइब्यूट्रीज वो नदियाँ होती है, दीज आर द स्मॉल रिवर्स विच ज्वाइंड अ वीक रिवर टू मेक इट मोर वीक. ट्राइब्यूट्रीज मतलब होता है सहायक नदियाँ, और ये छोटी छोटी नदियाँ हैं जो बड़ी बड़ी नदियों में मिलकर उसे और बड़ा बनाती है. तो इंडस नदी का कौन कौन हो गया, सतलज हो गया, रवि हो गया, झेलम हो गया आदि, ये सब ट्राइब्यूट्री नदी है. मतलब कि ये सब मिलकर इंडस नदी को और बड़ा बनाता है. एक्चुअली वर्ड पंजाब मीन्स फाइव, पंज मीन्स फाइव, एंड एव मीन्स वाटर. और पंज शब्द का मतलब होता है पांच, और एव का मतलब होता है पानी या नदी. सो इसीलिए द लैंड ऑफ द फाइव रिवर्स इज कॉल्ड पंजाब. इसीलिए पांच नदियों के भूमि को पंजाब बोला जाता है. वहाँ पे अमृतसर, लुधियाना, जलंधर आर द वीक सिटीज ऑफ पंजाब. याद रखना है अमृतसर, लुधियाना और जलंधर है वहाँ के बड़ी बड़ी क्या है, सिटीज हैं पंजाब के. पीपुल गो अमृतसर टू विजिट गोल्डन टेम्पल, और लोग जाना पसंद करते हैं अमृतसर गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर को देखने के लिए, जो कि अमृतसर में है. आपका नेक्स्ट टॉपिक है हरियाणा. अंबाला, हिसार, पानीपत, गुड़गांव आर द वीक सिटीज ऑफ हरियाणा. और ये सब क्या है, हरियाणा का बड़ी बड़ी सिटीज हैं. देयर आर विग फैक्ट्रीज एट गुड़गांव, और वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, और यहाँ पे कार को मैन्युफैक्चर किया जाता है. मैन्युफैक्चर मतलब बनाया जाता है, पे कार बनाया जाता है, पे कहाँ पे, हरियाणा पे, हरियाणा में. तो डेट्स ऑल फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट डे आई विल टीच यू अबाउट चंडीगढ़, एंड आफ्टर डैट आई विल टीच यू अबाउट यूपी. तो डेट्स ऑल फॉर टुडे. और वन मोर नोटिफिकेशन फॉर यू ऑल डियर स्टूडेंट, आई हैव एक्सप्लेन द आंसर ऑफ योर फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर. हमने आपके फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर को आंसर लिखा चुका हूँ, आपके ग्रुप में भी भेजा हूँ. तो आप, चूँकि मैं अदर बुक से पढ़ा रहा था इससे पहले, तो आप लोगों को जो लिखवाया गया है उसी का आंसर क्वेश्चन फ़िलहाल अभी फेयर कॉपी में लिखना है. जब स्कूल खुल जाएगा उसके बाद मैं फिर से वो सब सारा क्वेश्चन को लिखवाऊंगा. तो डोंट वरी अबाउट दैट. थैंक्स, हैव ए नाइस डे.